बिग बॉस सीजन 15 से जुड़ी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं दोस्तों। बिग बॉस सीजन 15 के प्रीमियर एपिसोड में धमाकेदार तरीके से एंट्री मारते हैं एक शख्स और उनका नाम है उमर रियाज, जो कि कश्मीरी शेर बनकर आए और साथ ही साथ उनके अंदर खेलने का जुनून भी था, जज्बा भी था और साथ ही साथ सरफरोशी की तमन्ना भी थी। और साथ ही साथ उमर रियाज आते ही सभी के दिलों पर पूरी तरह से राज करने लगे और साथ ही साथ राज करने के साथ साथ उमर रियाज के अंदर जो चार्म था वो शायद किसी कंटेस्टेंट में दिखाई दिया होगा जितनी चार्म जो है उमर रियाज के पर्सनालिटी में दिखाई दिया। सलमान खान भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर उमर रियाज एंट्री कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हेटर ऐसे हैं जो कि उमर रियाज को ट्रोल कर रहे थे। असीम रियाज के भाई हैं उमर रियाज, इस बात को लेकर ट्रोल कर रहे थे और साथ ही साथ नेपोटिज्म प्रोडक्ट हैं उमर रियाज और बिग बॉस के मेकर्स नेपोटिज्म प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह की बातें कह रहे थे। अब साथ ही साथ इन सारे के सारे हेटर्स को जवाब मिला है एक ऐसी पर्सनालिटी का जो कि बिग बॉस के हिस्ट्री की सबसे महंगी कंटेस्टेंट थी और साथ ही साथ अपने खेल से अपने सीजन में सभी को अपना दीवाना बना चुकी है और उस पर्सनालिटी का नाम है रश्मि देसाई। जी हाँ, अब रश्मि देसाई जो है उमर रियाज के सपोर्ट में आई हैं और साथ ही साथ क्या कहा है रश्मि देसाई ने, आइए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। जी हाँ, रश्मि देसाई कहती हैं कि मेरे सीजन में यानी कि बिग बॉस के 13वें सीजन में सिडनास की अलग फैन फॉलोइंग थी, असीम के अलग फैन फॉलोइंग थी, सिद्धार्थ शुक्ला के अलग फैंस थे, मेरे अलग फैंस थे, देबोलिना के अलग फैंस थे और साथ ही साथ जितने भी फैंस ग्रुप थे जिस पर्सनैलिटी को ज्यादा पसंद करते थे वो उसी कंटेस्टेंट उसी सदस्य को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करते थे और साथ ही साथ ऐसा ही होता हुआ दिखाई रहा है। असीम रियाज को, असीम रियाज के फैंस अलग हैं, असीम रियाज को उनकी पर्सनालिटी की वजह से उन्हें पसंद किया जाता था और उमर रियाज को पसंद किया जा रहा है तो उनकी पर्सनालिटी की वजह से पसंद किया जा रहा है और यहां पर नेपोटिज्म वाली कोई बात नहीं है। उमर रियाज काफी टैलेंटेड है, उमर रियाज को मैं पर्सनली जानती हूं और साथ ही साथ उमर रियाज काफी अच्छा खेलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ऐसी बात कहते हुए दिखाई दी रश्मि देसाई। खबरों की माने तो रश्मि देसाई और उमर रियाज एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और साथ ही साथ डेट करने के साथ साथ दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं, इस तरह की बातें इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आई। अब रश्मि देसाई जिस तरह से उमर रियाज को सपोर्ट कर रही हैं ये कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करता है। वेल, आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, आप क्या कहना चाहेंगे रश्मि देसाई की बात से, आप सहमत हैं या फिर नहीं है, कमेंट के थ्रू आप हमें जरूर बताएं।